नमस्कार दोस्तों, माई इंडियन व्लॉग्स के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों क्या करें, ये मास्क लगाना पड़ता है। सुरक्षा की दृष्टि से आपको भी मास्क लगाना चाहिए। अगर आप सार्वजनिक स्थान पर हैं तो आप मास्क जरूर लगाएं। दोस्तों आज हम आपको लेकर के आए हैं रिवर फ्रंट पे। यह नाम तो आपने सुना ही होगा, ये लखनऊ का रिवर फ्रंट जो कि बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है। यहाँ पर दोस्तों आपको कई तरह के यहाँ पर झूले हैं और पार्क है। यहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जहाँ पे आप सर्फ कर सकते हैं, अपना टहल सकते हैं, घूम सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों इस जगह पे क्या क्या खास है, हम आपको हर एक जगह पे लेकर चल रहे हैं और वहाँ आपको हम दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर खास हैं जो आप यहाँ पर मज़े ले सकते हैं अपने दोस्त के साथ, अपनी फैमिली के साथ, घर वालों के साथ। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप फैमिली से आते हैं, अभी लॉकडाउन, ये COVID-19 की वजह से लॉकडाउन था और इसमें हम पहली बार यहाँ एंट्री किए हैं, अंदर एंट्री किए हैं। पार्क केवल इस समय लॉकडाउन ओपन जैसे हुआ है, इस टाइम पे सिर्फ दो घंटे के लिए सिर्फ पार्क ये वाला खुलता है, जिसमें शाम को 5 बजे से 7 बजे तक, सिर्फ 5 बजे से 7 बजे तक ये पार्क खुलता है दोस्तों। और इस वजह से आपको इन्हीं टाइम पे आपको यहाँ पे आना चाहिए। और जैसा कि हम आपको दिखा दें कि जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये जो है देखिए वाटर ट्रीटमेंट चल रहा है, जो कि अगर कोई नाले का पानी अगर बाहर से आता है, लखनऊ से आता है, अगर गोमती में मिलता है तो उसका सबसे पहले यहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद में यहाँ से जो है ये पानी गोमती में जाता है। तो दोस्तों आगे चलते हैं, हम आपको लेकर चलते हैं आगे और यहाँ के सारे जो जगह हैं, जो खास खास जगह हैं वहाँ पर हम आपको घुमाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर यहाँ का है। अभी दोपहर का टाइम है, 1 से 2 बजे का टाइम है और देख सकते हैं आप कितना अच्छा यहाँ पर लग रहा है। इवन शाम को आपको बहुत ही प्यारा लगेगा, यहाँ का जो नज़ारा है बहुत ही अच्छा लगेगा। इतनी टाइम तो मतलब है ही अच्छा, लेकिन शाम को आपको बहुत अच्छा लगेगा। शाम को यहाँ पर थोड़ा मौसम भी कूल होता है, इतनी टाइम थोड़ा सा गर्म है क्योंकि बादल भी हैं और गर्मी भी काफ़ी है। तो आप चारों तरफ आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा नज़ारा है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जॉगिंग ट्रैक है, जो भी इवनिंग या मॉर्निंग में यहाँ पर रनिंग करने के लिए आते हैं उनके लिए जॉगिंग ट्रैक है। बहुत ही अच्छा है, कूल है दोस्तों, हल्का सा फोम टाइप में है, फोम मॉडल में है, ट्रैक बना हुआ है, बहुत अच्छा है। आप यहाँ पर पैदल भी ट्रैकिंग कर सकते हैं, मतलब कि दौड़ सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। और ये जो है पत्थर का ट्रैक बना हुआ है, ये जो ट्रैक आप देख रहे हैं ये पत्थर का ट्रैक बना हुआ है। सीटिंग टेबल्स यहाँ पर आपको बहुत सारी दिखेंगी, सीटिंग टेबल्स बहुत सारी हैं और वाकई में क्वालिटी है इनमें। और जैसा कि आप देखेंगे लाइट्स बराबर यहाँ पर लगी हुई हैं, काफ़ी लाइट्स हैं यहाँ पर। और यहाँ से जब आप देखेंगे तो सामने जैसा कि आप देख रहे हैं JPNIC सेंटर आपको दिख रहा होगा, ये JPNIC दिख रहा है। और थोड़ा सा अगर आप राइट देखेंगे तो ये राइट, जब थोड़ा सा और देखेंगे तो ये अंबेडकर पार्क जो कि हाथी पार्क के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, वो दिखेगा। और इसको तो आप जानते ही होंगे, ये गोमती नदी है, बहुत अच्छा लगता है इसका, इसी का जो फ्रंट है बहुत ही अच्छे से बनाया है इसको सरकार ने। तो इसकी रख रखाव भी मैं आपको बता दूँ दोस्तों, रख रखाव इसका बहुत अच्छे ढंग से किया जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से इसका रख रखाव देख रहे, कितनी अच्छे से की जा रही है, कि यहाँ पर कटिंग, घास की कटिंग भी प्रॉपरली बहुत अच्छे से की गई है और पेड़ पौधे भी बहुत सारे हैं। वाकई में मज़ा आ जाता है जब आप यहाँ आते हो, नेचर का जो टच होता है वो अलग ही होता है दोस्तों। तो इनमें जब आप आते हैं तो आपको फील जो होती है वो अलग आ जाती है। और हम थोड़ा सा चल रहे हैं आपको यहाँ का जो सबसे प्यारी जगह है मेरे लिए, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, झूला है और मतलब उस पर रनिंग करने के लिए थोड़ा सा है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, आप देखेंगे आपको वाकई में आपको भी मज़ा आएगा, वैसे मुझे तो मज़ा आता है। तो ये देखिए, मैं अभी आपको झूल के भी दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है।
देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। बाकी आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा, और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, कहाँ की वीडियो चाहिए, कैसे वीडियो चाहिए, वो मुझे ज़रूर बताइएगा आप, जिससे मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ में तैयार कर पाऊँ। आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे मैं आपके लिए वीडियोस तैयार कर पाऊँ अच्छे अच्छे, और वीडियोस के साथ साथ मैं आपको कंटेंट जो आपको दूँ, जो मैं आपको बताऊँ, वो भी आपके अकॉर्डिंग सही होना चाहिए। तो दोस्तों ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिए कि लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ये करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मेरा जो चैनल है आगे आपको इससे भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। ये देखिए वाइड, पूरा वाइड नज़ारा है चारों तरफ का, कहीं कोई इस समय कोई शोर नहीं, सिर्फ चिड़ियों की चहचहाहट यहाँ पर, और नेचर से पूरा सरोकार हो जाओ दोस्तों, बहुत बहुत अच्छा है यहाँ का नज़ारा। और ये दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये दोस्तों यहाँ का वाटर जो फव्वारा है यहाँ का, ये वाटर फाउंटेन जिसको बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में, तो ये वाटर फाउंटेन है जो मतलब यहाँ पर चलता है, इवनिंग के टाइम में चलता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है, लाइटें भी लगी हुई हैं, तरह तरह की लाइटें यहाँ पर जब जलती हैं तो बहुत प्यारी लगती हैं। और ट्रैक यहाँ का तो वाकई में बहुत क्लीन है, बहुत साफ है, और क्लीनिंग के लिए यहाँ पर लोग रखे हुए हैं जो क्लीनिंग टाइम टाइम पे करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। यहाँ पर आप फैमिली के साथ आएँ तो कहीं भी आप बैठ सकते हैं, और बहुत ही प्यारी जगह है ये। और JPNIC जो रेनेसा होटल है वो भी यहाँ से दिख रहा है, ताज होटल भी है वो भी यहाँ से बिल्कुल क्लियर दिखता है दोस्तों। और जब आप कहीं पहुँचते हैं और आपके मन मुताबिक वो माहौल हो जाता है, आपको मन मुताबिक वो माहौल मिल जाता है, तो आपको और अच्छा लगने लगता है दोस्तों। तो सेम वैसे ही जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको अलग माहौल मिलेगा यहाँ का, बिल्कुल से डिफरेंट। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों आपको बताने में मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। ये देखिए लेमन ग्रास का बहुत बड़ा बड़ा ढेर यहाँ पर है, जो कि अक्सर लोग चाय में डाल के पीते हैं, तो आप जब आइएगा तो यहाँ आपको ये भी मिल सकता है। सरकार चाहे जिसकी हो चाहे जैसी हो, लेकिन अगर वो डेवलपमेंट करती है तो दोस्तों एक अलग ही उसकी छवि होती है। तो ये चाहे जिसकी सरकार थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन डेवलपमेंट किया तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आ करके कि डेवलपमेंट हुआ यहाँ का, और लोगों के लिए बहुत अच्छी जगह मिल गई उनके बैठने के लिए, घूमने के लिए। बच्चे अक्सर जिद करते हैं, मुझे झूला झूलना है, मुझे टहलना है, मुझे घूमना है। तो दोस्तों अगर किसी मॉल में या कहीं जाते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव होता है बच्चों को ले जाना वहाँ पर, उनको उनके मांगों को पूरा करना। लेकिन दोस्तों अगर आप पार्क में आते हैं, इस पार्क में आते हैं, तो यहाँ पर आपको सब फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर है सारा सिस्टम। 5 बजे से 7 बजे के बीच में आप कभी भी आ सकते हैं इस जगह पर, इस समय प्रेजेंट टाइम में, तो आप आ सकते हैं और यहाँ का मज़ा ले सकते हैं दोस्तों। ये रहे सारे झूले और एक्टिविटी का जो जगह है, एक्टिविटी की जो जगह है यहाँ पर है, और आप अच्छे से यहाँ पर कर सकते हैं मज़े। हर तरह का सिस्टम है यहाँ पर दोस्तों, देख सकते हैं आप ये। ये झूले हैं और ये एक्टिविटी सेंटर एक तरीके से बनाया गया इन लोगों का, जहाँ पर मज़े ही मज़े हैं लोगों के।
जो घूमने जाते आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे अभी यहाँ पर हैं और मस्ती कर रहे हैं। छोटे बच्चों का अलग सिस्टम है, थोड़ा सा बड़े बच्चों का है ये, जहाँ पर बच्चे आराम से झूल सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों पानी पीने का भी बहुत अच्छा सा वाटर कूलर भी लगा हुआ है, जहाँ पर आप पानी पी सकते हैं। हालांकि पानी हो ना हो इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन वाटर कूलर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ बच्चे मस्ती कर रहे हैं। हर तरह की व्यवस्था है। अब बच्चे धीरे धीरे सारे आने लगे हैं यहाँ पर। अभी तक ये एक सुना सुना टाइप का था। अभी मैं आपको देख के बताता हूँ, यहाँ पर एक झूला बहुत ही अच्छा सा है, झूलने में बहुत मज़ा आता है, तो वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ओह माय गॉड, आप देख रहे होंगे कि कितना पसीना पसीना हो गया हूँ मैं, कितनी गर्मी मतलब लग रही है। अभी इवनिंग का टाइम नहीं है, मतलब ये तो दोपहर का समय है, इस वजह से काफ़ी पसीने से मैं बिल्कुल सराबोर हो गया हूँ। लेकिन मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर कैसे आप मस्त मस्त झूले का मज़ा ले सकते हैं। मुझे बहुत पसंद है जिस झूले पर मैं जा रहा हूँ झूलने, आपको झूलने के लिए दिखाने जा रहा हूँ। बहुत मस्त झूला है, बहुत अच्छा लगता है मुझको। तो सो लेट्स, ओह माय गॉड, आप देख सकते हैं कि हम कहाँ बैठे हुए हैं, कैसे बैठे हुए हैं, और ये झूला बराबर चल रहा है, झूल रहे हैं हम। वाह, बहुत सही लग रहा भाई। तो देखा दोस्तों, मुझे थोड़ी सी चक्कर सी आ रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सब चलता है। और यहाँ पे एक्टिविटी मैं क्या करके दिखाऊँ, मैं बहुत थक गया हूँ यार। तो जैसा कि आपको मैंने दिखा चुका हूँ, ऑब्वियसली लगभग सारा का सारा एरिया मैंने आपको दिखा दिया है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए हमें क्षमा जरूर कीजिएगा यार। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना भाई मेरे, प्लीज़ कर दो यार, कर दो सब्सक्राइब कर दो भाई, वो घंटा जरूर दबा देना मेरे भाई। ओके, बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक बाय बाय।